हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इस वीडियो में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कौन कौन से मतलब एक्टिविटीज़ और किस तरह के जो टेंसेस एंड टेंसेस हैं वो हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले में दिखाया था कि जैसे अपनी हैबिचुअल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो हमारे डेली एक्शंस हैं हम परफॉर्म करते हैं, वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं। एंड उसका जो सिंपल प्रेजेंट का रूल जो है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। कभी कभार आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं भी होता है, पर आपका सब्जेक्ट वर्ब और दिस इज द सेंटेंस फॉर्मेशन, मतलब प्रॉपर सेंटेंस अरेंजमेंट किस तरह से होगा। सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर आपका वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो दिस इज द रूल ऑफ द फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैं आपको अभी एक सेंटेंस बना के, मैंने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ाया था, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी पढ़ाए थे, और उन सब का यूज़ अब हम वन बाय वन सेंटेंसेस में करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू रूल बनाना, देखिए किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम बनाते हैं, फ्रेम किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट को हम ले लेते हैं ही, अब वर्ब को हम ले लेते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, प्ले हमने ले लिया। उसके बाद अब वर्ब के साथ एस या ई एस आता है, अब ये आपको देखना है कि वर्ब के किस वर्ब के साथ एस लगाना है और किसके साथ ई एस लगाना है। तो प्ले के साथ ई एस नहीं आता, प्ले के साथ सिर्फ एस आता है। और इस वर्ब में हम क्यों एस या ई एस, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में हर वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा, वो मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताया था, सिर्फ सिंगुलर के साथ ही आपका एस या ई एस आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही शी इट के साथ, जहाँ किसी नेम के साथ। और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ आपका सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसके साथ क्या आएगा, ही प्लेस अ गेम, वो क्या क्या खेलता है, गेम खेलता है। आप क्रिकेट बोल सकते हो, बैडमिंटन के बोल सकते हो, कुछ भी जो आप गेम खेलते हैं आप उसके अकॉर्डिंग भी सेंटेंस बना सकते हो। अब मैंने आपको ये सेंटेंस देखिए, आप प्रॉपर इसी रूल के अकॉर्डिंग ही मैंने ये सेंटेंस बनाया है, ही प्लेस अ गेम, मतलब वो गेम, एक गेम को खेलता है। मे बी वो कोई भी गेम हो सकती है, वो किस गेम के बारे में बात कर रहा है, जो वो डेली एक्शन करता हो, डेली हैबिचुअल हो, उसकी हैबिट हो कि वो डेली वही गेम खेलता है, तो दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब मैं एक थर्ड पर्सन से बना रही हूं, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, मतलब मैं ज्यादा लोगों की बात कर रही हूँ, थर्ड पर्सन प्लूरल है, और मैं इनकी बात कर रही हूँ कि वो सब जो है वो कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। इस जगह पे मैंने ये वर्ब जो है, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैंने इसके साथ एस या एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो थर्ड पर्सन प्लूरल में आएगा उसके साथ आपका वर्ब के साथ एस या एस नहीं आएगा, ओनली आपका ही शी इट या किसी सिंगुलर नेम। बाई चांस आप किसी का नाम लेके बोलते हैं, मैं बोलती हूँ राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, तो मैंने राम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ इसलिए मैंने इसके साथ ई एस लगाया है, वर्ब की गो के साथ ई एस लगाया है। क्यों, अब गो के साथ एस नहीं आता, गो के साथ हमेशा ई एस लगता है, तभी ये आपकी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ हमने ई एस लगाया है। लेकिन देख लीजिए, आपके प्ले के साथ हमने ई एस नहीं लगाया, उसके साथ एस लगाया, ये आपको ध्यान रखना है कौन सी वर्ब के फॉर्म के साथ एस लगेगा और किसके साथ ई एस लगेगा। ओके, तो राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, तो दिस इज ऑल्सो योर सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो डेली स्कूल जाता होगा इसलिए वो कह रहा है कि राम स्कूल जाता है, तो राम इज द थर्ड पर्सन इसलिए हमने इसके साथ एस या ई एस लगाया है। ओके, तो ये जो आपके हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हर एक टेंस के आगे आपकी टू टू थ्री थ्री टाइप्स हैं, जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट बनाया, अभी इसका आपका नेगेटिव भी बनेगा, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव भी बनेगा, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बनता है। तो आपको सबसे पहले मैं इसका नेगेटिव बताऊंगी कि नेगेटिव किस तरह से बनेगा।
मैंने आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स बताए थे पिछले वाले वीडियो में, उसमें डू डज ये सब हेल्पिंग वर्ब्स, डिड विल शैल हैव हैज हैव ये सब बताए गए थे उसमें। अब हम सिंपल प्रेजेंट में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं? डू और डज, ओनली दीज टू हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओनली दीज टू। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, He goes to school. वह स्कूल जाता है, ठीक है, वो डेली ही स्कूल जाता है। अब मैंने इसको अगर ये नेगेटिव में करना है, नॉट में, कि वो स्कूल नहीं जाता है, तो मैं किस तरह से, अब मैं यहाँ पे नॉट नहीं लगा सकती, दैट इज द रॉन्ग सेंटेंस। ओके, तो सो यू हैव टू मेक द करेक्ट सेंटेंस। तो फॉर the correct sentence you have to add the helping verb, okay, with the help of a helping verb you can prepare or you can arrange the proper sentence को आप arrangement, proper arrangement से आप बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे not नहीं आएगा, क्योंकि not ऐसे होता है कभी कि he goes not to school, no that is the wrong sentence। तो आपको किस तरीके से बनाना होता है, he, अब ये goes है, अब इसमें क्या होता है, डज लगता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, कि वो जो है वो स्कूल नहीं जाता है। अभी आप देखो, आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पे गो के साथ एस लगाया लेकिन यहाँ नहीं लगाया, यहाँ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डू जो है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने यहाँ पे जो ईएस लग रहा था वो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। ओके, तभी हम सिंपल प्रेजेंट में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पे डू के साथ ईएस लगाते हैं, क्योंकि ही आपका थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के वर्ब के साथ आपका एस या ईएस आता है, तो यहाँ हमने ईएस लगा दिया, ये हो गया डज नॉट, कि वह स्कूल नहीं जाता है। अब अगर मैं लिख रही थी दे गो टू स्कूल, मैं लिख रही थी वे स्कूल जाते हैं, तो हम इसका नेगेटिव क्या बनेगा, दे डोंट, आप ऐसे लिख सकते हैं, जा ऐसे लिख सकते हैं, दे डोंट, सॉरी ऐसे नहीं, दे डोंट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते। अब यहाँ डज नॉट नहीं आएगा, आप बोलोगे ये भी थर्ड पर्सन है, बट दे इज द प्लूरल थर्ड पर्सन एंड ही इज द सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो दैट्स व्हाई विद द सब्जेक्ट दे वी हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, डू नॉट, और ही के साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। तो दैट इज द लिटिल डिफरेंस बिटवीन द थर्ड पर्सन एंड दिस हेल्पिंग वर्ब्स, how can we arrange, how can we put the right helping verb with the third person subject, okay? तो then next is the, ये आपका negative बन गया, आपने हर negative में ऐसे ही करना है। अभी मैं आपको I का दे देती हूँ, जैसे आप I लिखते हो, आप लिखते हो I take bath every day, मैं हर दिन क्या करता हूँ, नहाता हूँ, जब नहाती हूँ, जो भी आप बोलते हैं, आई टेक बाथ एवरी डे। अब मैं बोल रही हूँ आई टेक बाथ एवरी डे, अब आप इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, आई डोंट या डू नॉट टेक बाथ एवरी डे, तो दिस इज योर नेगेटिव सेंटेंस, ये आपका नेगेटिव बन गया, और दिस वन इज योर असर्टिव आर आप पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो भी आप बोलते हो, ये आपका वो वाला हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अभी आपको आपको पॉजिटिव सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट में पता चल गया और नेगेटिव का चल गया। अब नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। अब देखो इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको बाहर ले रख लेते हैं, जैसे यहां पे डू नॉट है, बाय चांस आपको ऐसे दिया है, आई टेक अ
आप ऐसे लिख लो आई ईट ब्रेड, मैं ब्रेड खाता हूँ, इट मीन्स आप डेली ही खाते होंगे, दैट इज योर हैबिचुअल हैबिट। तो ये आई ईट ब्रेड, मैं ब्रेड, जब आई ईट ब्रेड डेली डेली लिख लो आप कि आप डेली ही खाते हो, ताकि आपको पता चल जाए, दिस इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब अगर आपको पेपर में कभी ऐसे भी कोई बोले कि आप इसका नेगेटिव बनाइए, कैसे बनाएंगे? अब आप देख रहे हैं कि आई इज द सिंगुलर वन और ये फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने आपको पहले भी बताया है आपका सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिर्फ आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही वर्ब के साथ एस या ई एस आता है। अब इसके आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? सिर्फ ही शी इट के साथ ही डज आएगा, या किसी के नाम के साथ डज आएगा, अदरवाइज आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो डू ही आएगा। अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आई डू नॉट ईट ब्रेड डेली, मैं डेली ब्रेड नहीं खाता हूँ। अब आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव किस तरीके से बनेगा? अब आपको पता है कि इसमें क्या आएगा, डू नॉट आएगा अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, तो इंटेरोगेटिव में कैसे आएगा? डू आई ईट ब्रेड क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क? क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, दिस इज योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटेरोगेटिव बनाने, आप इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हो इन सेंटेंस में, वो डब्ल्यू एच फैमिली से, जो व्हाट इज द, व्हाट इज योर नेम, विच इज योर हाउस, एंड हुज पेन इज दिस, दीज आर द वर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स वी कैन पुट क्वेश्चन, बट दैट आर रिलेटेड टू द डब्ल्यू एच फैमिली, बट दीज आर द हेल्पिंग वर्ब। ओके, आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर सब्जेक्ट के पहले लिख के भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, जैसे डू बोल लिया मैंने, डू आई ईट ब्रेड डेली, क्या मैं डेली ब्रेड खाता हूँ? ठीक है, वो मे भी किसी ने मेरे से पूछा हो कि आप डेली ब्रेड खा रहे हो क्या, तो वो बोल रहा है अच्छा क्या मैं डेली ब्रेड खाता हूँ, तो दिस इज द क्वेश्चन, तो ये आपने क्वेश्चन मार्क पुट करना है। अच्छा, अब अगर ही डज नॉट वाला था, अब ही डज नॉट वाला था, ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला है तो आपको पता चल जाएगा दिस इज द इंटेरोगेटिव, एंड द इसके आगे वाला जैसे ही वाला था तो उसमें आपको डज बाहर लगाना है, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है? जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं क्या आपका बेटा स्कूल जाता है, मतलब क्या वो डेली जाता है स्कूल, तो यही इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका ना जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर रखिए, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, दिस इज द इंटेरोगेटिव, इस तरह से बनाते हैं। और अगर आपने इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो उसके डेली स्कूल नहीं जाता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, दिस इज योर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, ये सिंपल आपका इंटेरोगेटिव हो गया, और जो पीछे मैंने पढ़ाया दैट इज योर नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइस, आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट के अंदर एक पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस, जो आपने जैसे ये लिखा आई ईट ब्रेड डेली, दिस इज योर पॉजिटिव और असर्टिव सेंटेंस, एंड सेकेंड वन मैंने आपको उसका नेगेटिव बताया कि आई डोंट ईट ब्रेड डेली, जा आई डोंट टेक बाथ डेली, तो दैट इज योर नेगेटिव सेंटेंस। एंड द थर्ड वन मैंने आपको क्वेश्चन बनाना सिखाया, जैसे डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, तो दिस इज द इंटेरोगेटिव वन। एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, तो दिस इज योर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में, टेंस में जो है वो किस तरह से हम, और कौन सा रोल लगता है, और कौन कौन से तरीके से सेंटेंस बनते हैं, और किस तरीके के जो सेंटेंस हैं वो आपके सिंपल टेंस प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड किए जाते हैं। तो गाइस, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेंटेंस जो है दैट इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।
ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.